आजा सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजा सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजा सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। यशवंत सिन्हा से जुड़े सवालों पर जयंत सिन्हा ने कहा, पिता की बात पिता ही जाने। यह कहना है केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा का। मंत्री जयंत सिन्हा अपने पिता यशवंत सिन्हा से जुड़े सवाल का कुछ इस प्रकार जवाब देते नजर आए। गुरुवार को हजारीबाग में जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आने वाले चुनाव में यशवंत सिन्हा बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, तो जयंत सिन्हा ने कहा कि अब मुझसे नहीं मेरे पिता से पूछिए, मैं जनता की सेवा में जुटा हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि वे अपने पिता का सम्मान करते हैं। उन्होंने बार बार सवाल करने के बाद भी यशवंत सिन्हा पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष का महागठबंधन वास्तव में महागठबंधन या महालुटबंधन है, जिसके पास न नीति, न नियत और न ही नेता, बस भ्रष्टाचार और परिवारवाद है। ऐसे में जनता एक बार फिर मोदी सरकार पर ही भरोसा जताएगी। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। यूपी में अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ी। रिवर फ्रंट घोटाले में 4 राज्यों के 8 ठिकानों पर ईडी का छापा। एसपी अमरजीत बलिहार की हत्या में शामिल नक्सली महाशय सोरेन का सरेंडर, 1,00,000 का था इनामी। बालिका दिवस पर बेटियों को सौगात, सुकन्या योजना का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य की बच्चियों का भविष्य उज्जवल, झारखंड के 27,00,000 परिवार होंगे लाभान्वित। हजारीबाग जीप अध्यक्ष के देवर को दिन दहाड़े मारी गई गोली। टीटीपीएस ललपनिया में न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर ठेका ब्रेक मजदूरों का आंदोलन जारी। जीएम की शव यात्रा निकाली। आज की राजनीतिक हलचल, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को हाईकोर्ट से मिली जमानत। आज की प्रमुख हेडलाइंस, छापेमारी में क्लिनिक से हाथी दांत बरामद, डॉक्टर फरार, 2 हिरासत में। सिंदरी प्लांट में दर्दनाक हादसा, 3 मजदूरों की मौत। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। कथित खनन घोटाले में सीबीआई के छापे के बाद अब एसपी सुप्रीमो और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट में घोटाले को लेकर ईडी ने छापेमारी की है। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री रहते गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट अखिलेश का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन इसमें करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। इसी मामले में गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी शुरू कर दी। बता दें कि घोटाले का मामला दर्ज करने के बाद ईडी की यह पहली छापेमारी है। बताया जा रहा है कि ईडी ने देश के 4 राज्यों यूपी, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में छापेमारी की है। ईडी की यह कार्रवाई सिंचाई विभाग के पूर्व अधिकारियों, इंजीनियरों और गैमन इंडिया कंपनी के अधिकारियों के 8 ठिकानों पर की गई। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। एसपी अमरजीत बलिहार की हत्या में शामिल हार्डकोर नक्सली महाशय सोरेन ने गुरुवार को दुमका में आत्मसमर्पण कर दिया। उसने उपायुक्त, डीआईजी, एसपी और एसएसबी के अधिकारियों के सामने सरेंडर किया। महाशय दुमका के शकरपुर गांव का रहने वाला है। उसे सरेंडर पॉलिसी के तहत तत्काल 1,00,000 की राशि प्रदान की गई। नक्सली महाशय सोरेन 1,00,000 का इनामी था। इस पर पाकुड़ और दुमका जिले के थानों में 6 मामले दर्ज हैं, जिसमें पाकुड़ के पूर्व एसपी अमरजीत बलिहार हत्याकांड और 2014 के लोकसभा चुनाव में पोलिंग पार्टी को उड़ा देने का मुख्य मामला है। इन दोनों कांड में 13 लोग मारे गए थे। आत्मसमर्पण के बाद महाशय सोरेन ने कहा कि उसके पिता की मौत के बाद वह कुछ गलत लोगों के बहकावे में आकर भटक गया था, अब वह अच्छा काम करेगा। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि उज्जवल कल के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण ही मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का मूल उद्देश्य है। झारखंड के 27,00,000 परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे। यह योजना राज्य की बेटियों का भविष्य संवारेगी। मुख्यमंत्री ने उक्त बातें गुरुवार को चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ करते हुए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना तो लागू हो चुकी है, अब हम सब भी अपनी साझी भागीदारी निभाएं और जन जन तक इस योजना को पहुंचाएं। सुकन्या योजना का लक्ष्य बच्चियों को सशक्त करना, उनमें आत्मविश्वास का संचार करना, बाल विवाह रोकना और उन्हें शिक्षित कर स्वावलंबी बनाना है। योजना के तहत जन्म लेने वाली बच्ची की माँ के बैंक खाते में 5,000 रुपए जमा कर दिए जाएंगे। पहली कक्षा में नामांकन के समय 5,000,
पांचवी, आठवीं, दसवीं और बारहवीं में 5,000 सरकार द्वारा बैंक खाते में जमा किए जाएंगे। जब बेटी 18 साल की होगी तो 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इस तरह जन्म से लेकर 20 वर्ष तक की आयु तक 7 किश्तों में 40,000 रुपए का अनुदान राशि दी जाएगी। अगर बिटिया शादी करना चाहे तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना तहत 30,000 रुपए मिलेंगे। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। हजारीबाग जिला परिषद अध्यक्ष सुशीला देवी के देवर उमेश साव को गुरुवार को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। गोलीबारी में उमेश का साथी सिकंदर साव भी घायल हो गया। दोनों का इलाज आरोग्यम अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टर के अनुसार सिकंदर की हालत गंभीर है। घटना बड़का गाँव इलाके में हुई। घटना तीसरे पहर NTPC गेट पर हुई। दो मोटरसाइकिल पर सवार 4 अपराधियों ने उमेश और सिकंदर पर फायरिंग कर दी। इसके बाद सभी भाग निकले। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और छापामारी कर रही है। बता दें कि 2 मई 2017 को सुशीला देवी के पति लखन साव पर गोलीबारी की गई थी। उनका इलाज दिल्ली में चल रहा है। सूत्रों के अनुसार यह गोलीबारी गैंग वॉर का नतीजा है। अब नजर डालते हैं आज की पांचवी प्रमुख खबर पर। TTPS ललपनिया में ठेका ब्रेक मेंटेनेंस के मजदूर न्यूनतम मजदूरी नहीं देने कारण 2 दिन से हड़ताल पर हैं। इसका नेतृत्व झारखंड जनरल कामगार यूनियन कर रही है। 2 दिन बीत जाने के बावजूद प्रबंधन द्वारा कोई वार्ता नहीं किए जाने पर विरोध में मजदूरों ने गुरुवार को GM सनातन सिंह की शव यात्रा निकाली। मजदूरों का आरोप है कि GM सनातन सिंह द्वारा ठेकेदारों को संरक्षण दिया जा रहा है और कमीशन खोरी के कारण ही मजदूरों को 4 महीने से न्यूनतम मजदूरी नहीं मिली है। शव यात्रा में झारखंड जनरल कामगार यूनियन के अध्यक्ष निखिल सोरेन के अलावा सैकड़ों मजदूर शामिल हुए। शव यात्रा ललपनिया के आसपास के गांवों से होती हुई F टाइप, E टाइप, D टाइप के रास्ते तिलका मांझी चौक पहुंची। वहां शव को जलाया गया। मौके पर झारखंड जनरल कामगार यूनियन के अध्यक्ष निखिल सोरेन ने कहा कि TTPS ललपनिया में GM सनातन सिंह ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि वह ब्रेक मजदूरों को नहीं जानते हैं। CM सारे ठेकेदारों से मजदूरों के पैसे को कमीशन के रूप में लूटते हैं। यह मजदूरों का शोषण हो रहा है। अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को हाईकोर्ट से मिली जमानत। आय से अधिक संपत्ति मामले में झाबीमो के केंद्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। गुरुवार को मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस AB सिंह की अदालत ने बंधु तिर्की को जमानत दी। इससे पहले 16 जनवरी को CBI की विशेष अदालत में पूर्व मंत्री पर आरोप तय किया गया था। बता दें कि CBI ने 12 दिसंबर 2018 को बंधु तिर्की को उनके घर से गिरफ्तार किया था। बंधु तिर्की पर वर्ष 2010 में CBI ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। बंधु तिर्की का आज रेगुलर बेल यहाँ लगा हुआ था हाईकोर्ट में, ऑनरेबल जस्टिस AB सिंह की अदालत में, और उन्होंने सुनवाई करने के बाद में उनको जमानत दिया है। और जमानत का आदेश अब यहाँ से जब जाएगा कोर्ट में तो वो जेल से बाहर आएंगे। उन पर आय का अधिक संपत्ति का मामला था, CBI के द्वारा केस रजिस्टर किया गया था और CBI ने अनुसंधान के बाद पाया था कि इन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं बनता है, इसलिए इन पर आरोप पत्र का समर्पित नहीं किया था। लेकिन इस मंतव्य को, IO के इस मंतव्य को, CBI के इस मंतव्य को कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और कोर्ट ने संज्ञान लिया था, कॉग्निजेंस लिया था, जिसके बाद हम लोगों ने उस कॉग्निजेंस को चैलेंज किया था हाई कोर्ट में। स्टे मिला था लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के अनुसार 6 महीने से ज़्यादा तक स्टे वैलिड नहीं रहता है, इसलिए फिर लोअर कोर्ट ने उनके खिलाफ में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और CBI ने उसके कंप्लायंस में उनको अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बाद वो जेल में थे और लोअर कोर्ट से बेल लिया हुआ था, हाई कोर्ट से आज उनको जमानत की सुविधा प्रदान की। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। छापेमारी में क्लिनिक से हाथी के दांत बरामद, डॉक्टर फरार, 2 हिरासत में। वन विभाग की SIT टीम को गुरुवार को बड़ी सफलता मिली। लातेहार में छापेमारी के दौरान गारू थाना क्षेत्र स्थित एक ग्रामीण डॉक्टर की क्लिनिक से हाथी दांत बरामद किया गया। वहां 2 लाख रुपए भी मिले। इस दौरान डॉक्टर भाग निकला, जबकि पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है।
बता दें कि 16 जनवरी को लातेहार के बरवाडी प्रखंड के छिपा दोहर वन क्षेत्र में छिपा दोहर हेहे गड़ा रेल लाइन के पास एक जंगली हाथी का शव बरामद किया गया था। शिकारियों ने गोली मारकर हाथी की हत्या कर दी, फिर उसके दांत काट कर ले गए थे। सिंदरी प्लांट में दर्दनाक हादसा, 3 मजदूरों की मौत। धनबाद के सिंदरी स्थित ACC सीमेंट प्लांट में दर्दनाक हादसा हुआ, इसमें 3 मजदूरों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि यह हादसा सीमेंट डंपिंग के दौरान हुआ। इस हादसे से मजदूरों में काफी आक्रोश है। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।